हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ सेवा कर रही है। जी हाँ, व्यक्ति 12 साल से घर में रह रहे ना, तो एडवर्स पोजीशन के अंदर उसको भी आप निकाल सकते हैं। मेरे को हाथ लगाने का किसी को हक नहीं है। अगर कोई मंदिर के ऊपर हाथ नहीं लगाएगा, हम अपनी जान देने को तैयार बैठे हैं। स्थापना करवाई है मेरे परिवार ने, मेरे 60 साल से हमारा परिवार इस मंदिर के साथ काल किया गया। हमारे मारा गया, उनके मारा गया, उनके जी लेडी पुलिस ने मेरे साथ मेरी ये सब ऊपर कर दिया था। फोन छीन लिया उन्होंने मुझसे। बड़ी बेटी उनको जबरदस्ती कमरे में बंद रखा कि उनके साथ ना छेड़खानी कोई करे, कि यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। खुलेआम कोई पेपर वर्क नहीं, कुछ भी नहीं। गाड़ी में डाल के लेके गए सुबह सुबह, अच्छा कूड़े वाली गाड़ी होती है, डाल के लेके गए बकायदा मुतियों। आप देख सकते हैं, अपील करना चाहता हूँ पूरे भारत भर से, ये मंदिर बचाया जाए। मस्जिद नहीं छुई जाएगी, गुरुद्वारा नहीं छुआ जाएगा, मंदिर तोड़ा जाएगा। अच्छा ब्राह्मण कहाँ जाए, हिंदू हो गया कहाँ जाए, किसके आगे हाथ लाए, सब देख लीजिए। आप लोगों के सामने तोड़ दिया गया, अब हिंदू क्या करेगा, ब्राह्मण क्या करेगा, आप बताइए। 70 में मेरा दिल्ली में प्रवेश हुआ था, तब से ये मंदिर था, स्वरूप छोटा था, लेकिन आदमी निर्विवाद रूप से कहना चाहता हूँ राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, कि यदि उन्होंने समय रहते विवेक से निर्णय नहीं लिया, तो बने हनुमान मंदिर का हुआ था, रात की रात में उनको रखना पड़ा और हटाना था, तो यह स्थिति आ जाएगी कि इस देश की सत्ता, इस देश का जनमानस इनको उखाड़ कर फेंक देगा। यह हनुमान का अपमान विश्व नहीं सहेगा, भारत की तो बात क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा फोन है और ये छीन ले जाए और सुबह क्या हाल होता है सबका देख लेना। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आन बान शान पर आ जाता है, एक जटायु लंका के समाज को समाप्त कर सकता है। किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ये भोगेंगे। और आज मैं कह रहा हूँ, ये जो ऑर्डर दे रहे हैं, आने वाले एक साल के अंदर किसी न किसी बड़े सरकारी की मृत्यु न हो तो मैं फांसी पर लटकूंगा। मैं कह रहा हूँ, मैं बैठूंगा, मैं वो काम करूंगा जिससे इनकी बुद्धि विकृत हो जाए। और मैं ऐसा सारणी सनातन प्रसाद दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, इंटरनेशनल स्पीकर स्पोर्ट पर्सन हूँ, तो आज मैं सबको बताना चाहता हूँ, लालच के लिए लोग तलवे छाटने के तैयार हैं। हम कहते हैं सत्ताभिलाषी लोग कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे, सत्ताधीश चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनका सर्वनाश सुनिश्चित है। दिल्ली कह नहीं सकते, हम ये नहीं कहते किसका हाथ है, हाथ जरूर है। हमारे साथ में एक ऐसे हनुमान भक्त है जो आज हनुमान के मंदिर के ऊपर में, जो कि शंकर रोड में स्थित है, आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये श्री राम का झंडा, बजरंग बली जी का जो छाप है, झंडा जो है बजरंग बली जी का, वो यहाँ पर है। और हमारे साथ में काफी लोग हैं। सर आज जो है हिंदुओं के मंदिर के ऊपर में कहीं ना कहीं जो है वो इस तरीके के आघात देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है, इसके विषय में क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का मंदिर नहीं रहेगा तो क्या किसी और का बनेगा? मंदिर कोई तोड़ के दिखाए हम जान दे देंगे जी। अभी अभी जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, इसके ऊपर में किसका आप किसका षड्यंत्र मानते हैं कि आखिर में कौन कर रहा है? सबको पता है दिल्ली में सरकार किसकी है, दिल्ली में सरकार किसकी है, जेल में कौन जा रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वही मस्जिदों के जो मौलवी है उनको तनख्वाह दिया जा रहा है, और मंदिर के पुजारियों को जो है वो किया जा रहा है, मंदिरों से ही पुजारियों को बेघर कर दिया जा रहा है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, कानून सबके लिए एक बराबर है। अगर तनख्वाह देनी है तो पंडितों को भी दो, मौलवियों को क्यों तनख्वाह दी जा रही है? सबके साथ एक व्यवहार होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई तकलीफ नहीं है, हम मंदिर नहीं टूटने देंगे, हम जान दे देंगे यहाँ पे। हमारे साथ में जब जुड़े आप लोगों ने इनका भी विचार सुन लिया, कहीं ना कहीं जो है जब हिंदू के ऊपर में कहीं ना कहीं जब ऐसे आघात होते हैं, मंदिरों के ऊपर में जब आघात होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो जो भारत का जो हिंदू है वो कहीं ना कहीं जागता है। और जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो आखिर में जब सरकार को सोचना चाहिए, सरकार की निगाहें जो है वो इस तरफ होनी चाहिए कि आखिर में हिंदुओं के ऊपर में क्यों प्रताड़ित किया जाता है। जहाँ एक तरफ मंदिरों के ऊपर जो पुजारी को जो है वो बेघर कर दिया जाता है, पुजारी जो है अपने मंदिर से निकल करके बाहर आने के ऊपर में विवश है, वही एक तरफ मौलवियों को जो है वो सैलरी दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले जंतर मंतर के ऊपर में भी जो है वो ऐसा ही एक प्रदर्शन हुआ, जिसके अंदर में मौलवियों को जो है वो तनख्वाह दे दी जाती है और मंदिर के जो पुजारी हैं उन लोगों को तनख्वाह नहीं दी जाती है। उसके विरोध के ऊपर में भी वहां पर भी एक बारी प्रदर्शन हुआ। ऐसे जो आज दिल्ली के अंदर में नहीं, भारत के तमाम जगहों पर ऐसी ऐसी घटनाएं जो है, ऐसी ऐसी वारदात जो है वो हो रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मंदिर का यह पूरा प्रांगण है, यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा फोर्स जो लगी हुई है। और अभी जो है मंदिर के ऊपर में जो जिस तरीके से आगे हम लोगों को बताया गया कि मंदिर को जो तोड़ा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग पूरा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या क्या यहाँ पर क्षति पहुँची है। ये पूरा मंदिर का प्रांगण है जो कि शंकर रोड के अंदर में मेन रोड पर ही स्थित जो है वो प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी मूर्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। सारी मूर्तियाँ जो है वो कहीं ना कहीं वो उस कपड़े को लपेट करके
रखा गया है। और हमारे साथ में जनाब जुड़े हुए, क्या नाम है सर आपका? मेरा मयंक अग्नोत्री नाम है। मयंक जी बताइए क्या वजह होती है, किस वजह से ऐसा? वजह नहीं, वो लोग बता रहे हैं, हम मंदिर के पुजारी हैं, दीपक मिश्रा मंदिर के पुजारी, हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ सेवा कर रही है। जी हाँ, इन्होंने पहले कभी नोटिस दिया? कोई नोटिस सर नहीं दिया है। मंदिर है उसकी मूर्तियाँ स्थापित है, ये वाला, ये 1982 है, 1975 वो तोड़ के ले गए हैं। जी हाँ, ले गए पूरे वाली गाड़ी में। एक व्यक्ति 12 साल से घर में रह रहा है ना, तो एडवर्स पोजीशन के अंदर उसको भी नहीं आप निकाल सकते, तो मूर्तियों को कैसे हटा सकते हो आप? आपने इंक्रोचमेंट जो हम खुद भगवान है, अगर कोई गलत इंक्रोचमेंट है हम उसके साथ है, हम उसको हटाएंगे। मंदिर को हाथ लगाने का किसी को हक नहीं है, अगर कोई मंदिर के ऊपर हाथ भी लगाएगा हम अपनी जान देने को तैयार बैठे हैं। यहाँ हम सब खड़े हैं, मैंने ये मूर्ति स्थापना करवाई हुई है, मेरे परिवार ने, मेरे 60 साल से हमारा परिवार इस मंदिर के साथ है, और हम कैसे होने देंगे ये? उन्होंने ये मूर्तियां उतार के यहाँ पे रख दिया। एक किसी भी मूर्ति को विस्थापित करना एक हत्या के बराबर है, किसी की हत्या करने के बराबर है, इनके पर मुकदमा चलना चाहिए। जी बताइए, एक ही बताइए, अगर ये कानूनन किया जाता तो सबसे पहले हम लोगों के फोन क्यों छीने गए? अच्छा, कैमरे क्यों तोड़ दिए गए? अच्छा, कैमरे भी तोड़ दिए गए? कैमरे तोड़ दिए गए, लाइट काट दी गई, इंटरनेट के तार नोच दिए गए। अच्छा, और सारे फोन जमा कर लिए हम, किसी को फोन ना कर पाए। जो यहाँ के वर्कर थे उनको पीट के बाहर निकलवा दिया एसएचओ साहब ने, और गेट पे ताला डलवा दिया कि कोई अंदर ना आए। अच्छा, ये काल किया गया, हमारे मारा गया, इनके मारा गया, उनके जी करी साथ में। जी लेडी पुलिस ने मेरे साथ, मेरी ये सब ऊपर कर दिया था, फोन छीन लिया उन्होंने मुझसे, बच्चों को मैंने नीचे कर रखा कि उनके साथ कोई बदतमीजी ना करे। बेटी है, 2 साल का बेटा है, एक बड़ी बेटी, उनको जबरदस्ती कमरे में बंद कर रखा है कि उनके साथ ना छेड़खानी कोई करे, कि यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम, कोई पेपर वर्क नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं था। आप लोगों को कूड़े वाली गाड़ी में डाल के लेके गए सुबह सुबह। अच्छा, एमसीडी की जो कूड़े वाली गाड़ियां होती है उसमें डाल के लेके गए बकायदा मूर्तियों। ये आप देख सकते हैं कि हिंदू के ऊपर में जिस तरीके से आघात हो रहा है, तो आखिर में ये आघात क्यों हो रहा है? सबसे और सोचने और समझने वाली बात है कि लोगों का जो कूड़ा घरों का निकलता है, उस एमसीडी की गाड़ी के अंदर में मूर्तियों को डाल करके, जो कि हिंदू का प्रतीक, जो ये मंदिर है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी की आस्था के साथ में खिलवाड़ करना, आखिर में ये कहां तक जायज है, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। ये हमारे साथ में पंडित जी भी है यहीं के, और इनकी ये मिसिज है, इनके साथ में जो है महिला पुलिस ने भी कह रहे हैं कि दुर्व्यवहार किया है इनके साथ में, काफी ज्यादा बदतमीजी करी है इन्होंने, और हमारे साथ में आप ये देख सकते हैं इनके हाथों के अंदर जो है वो चोट भी लग चुकी है, अपने बाद बचाओ में पैरों के अंदर में भी। लोगों के साथ में अगर इस तरीके से किया जा रहा है, इनका फोन छीना जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है इस आस्था के प्रतीक के जो मंदिर है, जो हनुमान का सिद्ध मंदिर है, जो 60 साल पुराना मंदिर है, उसको किस तरीके से तोड़ दिया गया। आखिर में आप ये मंदिर देख सकते हैं, जिस जब इस पत्थर को, इस मूर्ति को, इसको जब यहां पर स्थापित किया गया था, तब उस समय प्रशासन और प्रशासन जो थी वो कहां थी, जब उनके उसके ऊपर में जब ये इस तरीके का आघात आज हो रहा है, आखिर में उस समय जब इनकी आंखें क्यों निकलती, अगर ये दुर्व्यवहार जब को ये करना था तो उसी समय इस चीज को, निर्माण को रुकवा देते। लेकिन हिंदू के ऊपर में कहीं ना कहीं आघात होते हुए देख करके कहीं ना कहीं हिंदू जो है वो जाग रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद के सभी यहाँ पे आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लग चुकी है। और जी बताइए, अपील करना चाहता हूँ पूरे भारत भर से, ये मंदिर बचाया जाए, मस्जिद नहीं छुई जाएगी, गुरुद्वारा नहीं छुआ जाएगा, मंदिर तोड़ा जाएगा। मैं पूरे भारत भर से कहना चाहता हूँ मंदिर बचाया जाए, ब्राह्मण कहाँ जाए, हिंदू हम कहाँ जाए, किसके आगे हाथ फैलाए, सब देख लीजिए आप लोगों के सामने तोड़ दिया गया। अब हिंदू क्या करेगा, ब्राह्मण क्या करेगा, आप बताइए। अभी बीजेपी से आए थे, उन्होंने क्या कहा है उन्होंने इस समय? यहाँ बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस सारे लोग शामिल हुए हैं, सबने कोशिश की है कि मंदिर बचाना है, मंदिर बचाना है, सबको घुसेड़ने नहीं दिया गया, ताला बाहर डाल दिया गया। ये बहुत पुराने संजी, आप इनसे पूछ सकते हैं, ये मंदिर से बहुत पुराने, जब हमारे पिताजी जवान हुआ करते थे तब से ये जुड़े हुए हैं। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, आज देखा जा रहा है कि मंदिर को जो है वो तोड़ा जा रहा है, काफी समय से लोग जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए थे, उनकी आस्था जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज हिंदू के ऊपर में इस तरीके का आघात किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं सनातन दलपत सभा का, 1970 में मेरा दिल्ली में प्रवेश हुआ था, तब से ये मंदिर था, स्वरूप छोटा था, लेकिन आज मैं निर्विवाद रूप से कहना चाहता हूँ राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कि यदि उन्होंने समय रहते विवेक से निर्णय नहीं लिया तो जो हाल
लाल किले के सामने फुटपाथ पर बने हनुमान मंदिर का हुआ था, रात की रात में उनको रखना पड़ा और हटाना था, तो ये स्थिति आ जाएगी कि इस देश की सत्ता, इस देश का जनमानस इनको उखाड़ के फेंक देगा। ये हनुमान का अपमान विश्व नहीं सहेगा, भारत की तो बात क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इनको, ये तो इनको भाई ड्यूटी, इनको अपना काम करना है, बिल्कुल इनका काम करना है, इनसे हमको कोई विरोध नहीं। जी बिल्कुल, सुनिए सुनिए, मारपीट की गई, फोन छीन लिया, ऐसा है ना, ये हमारा फोन है और ये छीन ले जाए और सुबह क्या हाल होता है इन सबका देख लेना। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आन बान शान पर आ जाता है, एक जटायु लंका के समाज को समाप्त कर सकता है, तो एक ब्राह्मण, एक हनुमान, एक सत्ता को निश्चित करने के लिए विवेक से काम लेना चाहिए। ले जाओ, हमारे ले जाओ, ये देख सकते, नहीं नहीं आप, मैं बता रहा हूँ, मैं सावधान कर रहा हूँ, किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ये भोगेंगे। और आज मैं कह रहा हूँ, ये जो ऑर्डर दे रहे हैं, आने वाले एक साल के अंदर किसी न किसी वरिष्ठ अधिकारी की मृत्यु न हो तो मैं फांसी पर लटकूंगा। मैं कह रहा हूँ, मैं बैठूंगा, मैं वो काम करूंगा जिससे इनकी बुद्धि विकृत हो जाई है। और खराब काम कर रहे हैं इस जगह पर, स्वामी श्यामानंद गिरी जो थे वो हमारे वरिष्ठ थे और हम उनको जानते हैं। और मैं ऐसा आदमी, सनातन प्रसाद दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, इंटरनेशनल स्पीकर स्पोक पर्सन हूँ, तो आज मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ। थोड़े से लालच के लिए लोग तलवे छाटने के तैयार हैं। हम कहते हैं सत्ताभिलाषी लोग कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे, सत्याभिलाषी लोग जीवित रहेंगे। रावण का ही दुर्दांत अत्याचार नहीं चला तो सत्ताधीश चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनका सर्वनाश सुनिश्चित है। दिल्ली के अंदर में जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, मैं अभी वहां पे आगे खड़ा हुआ था, उन लोगों से जब मैंने बात करी तो वो लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर में साफ साफ आम आदमी पार्टी का ही हाथ है। हम कह रहे चाहे आम आदमी पार्टी हो जो कोई, बिना सत्ताधीशों के संरक्षण पर सड़क पर आप एक लगा नहीं सकते, मेटीरियल डलवा नहीं सकते। हम ये नहीं कहते किसका हाथ है, हाथ जरूर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को आगे भी दिखा रहे की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है और प्रशासन जो है वो अतिरिक्त जो है पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। और इस मंदिर के प्रांगण के अंदर में जिस तरीके से मूर्तियों को जो है खंडित किया गया, उस मूर्तियों को जो हटाया गया, तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात होगी कि आखिर में हिंदू के ऊपर में जो जब जिस तरीके से लोग आज शासन और प्रशासन जो है वो अपनी निगाहें जो है वो इस तरफ नहीं डालती है, आखिर में हिंदू और हिंदू के ऊपर में जिस तरीके से आघात हो रहे हैं, आखिर में ये कब तक ये सहेगा हिंदू? तो इन लोगों का भी कहना सही है कि आखिर में जब हिंदू ही जब प्रताड़ित होता रहेगा तो आखिर में सरकार की नींद कब खुलेगी और कब वो जागेगी? एक बारी आपको मैं आगे दिखाता हूं। जनता पार्टी के यानी कि बीजेपी के जो है वो पूर्व निगम पार्षद जो है वो श्री नरेश कुमार जी जो है वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके बाद में आदेश गुप्ता जी जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री राम जयराम के तालियों के साथ में जो ललकार है वो इसी मंदिर के साथ में से निकल रही है। और इनका साफ साफ कहना है कि हिंदुओं के ऊपर में होते हुए जो अत्याचार है, हिंदुओं के मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ जो है हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। अगर कहीं भी अगर हिंदू के मंदिरों को अगर तोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है शासन और प्रशासन को जो है इसके ऊपर में संज्ञान लेने की जरूरत है। हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ में मुकेश पांचाल जी हैं, हम लोग उनसे एक बारी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जब आप यहाँ पर पहुंचे तो और उसके बाद में क्या हुआ। मुकेश जी आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। सर जिस तरीके से आज मंदिर का जो तोड़ा जा रहा है और बगैर नोटिस दिए जो तोड़ा गया, शासन और प्रशासन तो यहाँ पर है लेकिन शासन और प्रशासन ही यहाँ पर बैठ करके और कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक जो है वो स्टंट दिया जा रहा है, क्या सोचते हैं आप? जिस स्थान पर आप खड़े हैं, मैं पहले आपकी जानकारी में दे दूं कि जो ये मंदिर है ये 1970 से पहले का बना हुआ मंदिर है और जो आसपास का जो रेजिडेंस एरिया है उसकी स्थापना बाद में हुई और मंदिर की स्थापना पहले हुई थी। उसके बावजूद कुछ षड्यंत्रकारियों ने, कुछ ऐसे सनातन विरोधी लोगों ने अतिक्रमण करने का, इसको तोड़ने का प्रयास किया है प्रशासन की मदद के द्वारा। इसके अंदर यहाँ के वेलफेयर एसोसिएशन RWA के लोग और कुछ शरारती तत्व जो हिंदू विरोधी नीतियों को अंजाम देते आए हैं, ऐसे लोगों का इसमें षड्यंत्र है। उनके खिलाफ आज
हिंदू मंच, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू महापरिषद, बजरंग दल और सनातन धर्म को मानने वाला, राम को मानने वाला प्रत्येक हिंदू यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और यहाँ से हम प्रण करते हैं कि हम जो ये इन्होंने तोड़फोड़ की है इसको हम पुनः निर्माण करेंगे, इसको दोबारा से हम सही व्यवस्थित ढंग से उपस्थित करेंगे इसे, और जो इस तरह की कार्रवाई जिन्होंने की है उनके खिलाफ हमें चाहे कहीं तक भी जाना पड़े हम जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद। क्या रहेगी आप लोगों की प्रतिक्रिया, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हिंदू के जो टूटते हुए जो मंदिर है, हिंदू के ऊपर में जो लगातार आघात हो रहे हैं, इसके लिए आपका आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जागरूक हो सके। जय हिंद, जय भारत। 1970 में मेरा दिल्ली में प्रवेश हुआ था, तब से ये मंदिर था, स्वरूप छोटा था, लेकिन आज मैं निर्विवाद रूप से कहना चाहता हूँ राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कि यदि उन्होंने समय रहते विवेक से निर्णय नहीं लिया तो जो हाल लाल किले के सामने फुटपाथ पर बने हनुमान मंदिर का हुआ था, रात की रात में उनको रखना पड़ा और हटाना था, तो ये स्थिति आ जाएगी कि इस देश की सत्ता, इस देश का जनमानस इनको उखाड़ के फेंक देगा। ये हनुमान का अपमान विश्व नहीं सहेगा, भारत की तो बात क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इनको को, ये तो उनको भाई ड्यूटी, इनको अपना काम करना है, बिल्कुल इनका इनका काम करना है, इनसे हमको कोई विरोध नहीं। जी बिल्कुल, सुनिए सुनिए, मारपीट की गई, फोन छीन लिया, ऐसा है ना, ये हमारा फोन है और ये छीन ले जाए और सुबह क्या हाल होता है इन सबका देख लेना। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आन बान शान पर आ जाता है एक जटायु लंका के समाज को समाप्त कर सकता है, तो एक ब्राह्मण, एक हनुमान, एक सत्ता को निश्चित करने के लिए विवेक से काम लेना चाहिए। नंद ले जाओ, हमारा भी ले जाओ, ये देख सकते नहीं नहीं आप, मैं बता रहा हूँ, मैं सावधान कर रहा हूँ, किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ये भोगेंगे। और आज मैं कह रहा हूँ ये जो ऑर्डर दे रहे हैं आने वाले एक साल के अंदर किसी न किसी वरिष्ठ अधिकारी की मृत्यु न हो तो मैं फांसी पर लटकूंगा। मैं कह रहा हूँ मैं बैठूंगा, मैं वो काम करूंगा जिससे इनके बुद्धि विकृत हो जाई है और खराब काम कर रहे हैं। इस जगह पर स्वामी श्यामानंद गिरी जो थे वो हमारे वरिष्ठ थे और हम उनको जानते हैं, और मैं ऐसा आदमी सनातन प्रसाद दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, इंटरनेशनल स्पीकर स्पोक पर्सन हूँ, तो आज मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ। थोड़े से लालच के लिए लोग तलवे चाटने के तैयार हैं, हम कहते हैं सत्ताभिलाषी लोग कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे, सत्याभिलाषी लोग जीवित रहेंगे। रावण का ही दुर्दांत अत्याचार नहीं चला तो सत्ताधीश चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनका सर्वनाश सुनिश्चित है। दिल्ली के अंदर में जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, मैं अभी वहाँ पे आगे खड़ा हुआ था, उन लोगों से जब मैंने बात करी तो वो लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर में साफ साफ आम आदमी पार्टी का याद है। हम कह रहे चाहे आम आदमी पार्टी हो जो कोई, बिना सत्ताधीशों के संरक्षण पर सड़क पर आप एक ईंट लगा नहीं सकते, मेटीरियल डलवा नहीं सकते। हम ये नहीं कहते किसका हाथ है, हाथ जरूर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को आगे भी दिखा रहे की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है और प्रशासन जो है वो अतिरिक्त जो है पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, और इस मंदिर के प्रांगण के अंदर में जिस तरीके से मूर्तियों को जो है खंडित किया गया, उस मूर्तियों को जो हटाया गया, तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात होगी कि आखिर में हिंदू के ऊपर में जो जब जिस तरीके से लोग आज शासन और प्रशासन जो है वो अपनी निगाहें जो है वो इस तरफ नहीं डालती है, आखिर में हिंदू और हिंदू हिंदू के ऊपर में जिस तरीके से आघात हो रहे हैं, आखिर में ये कब तक ये सहेगा हिंदू, तो इन लोगों का भी कहना सही है कि आखिर में जब हिंदू ही जब प्रताड़ित होता रहेगा तो आखिर में सरकार की नींदें कब खुलेगी और कब वो जागेगी। एक बारी आपको मैं आगे दिखाता हूं, जय राम जय राम जय राम।
अभी आप लोगों ने देखा हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के यानी कि बीजेपी के जो है वो पूर्व निगम पार्षद जो है वो श्री नरेश कुमार जी जो हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके बाद में आदेश गुप्ता जी जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री राम जयराम के तालियों के साथ में जो ललकार है वो इसी मंदिर के साथ में से निकल रही है और इनका साफ साफ कहना है कि हिंदुओं के ऊपर में होते हुए जो अत्याचार है, हिंदुओं के मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ जो है वो हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। अगर कहीं भी अगर हिंदू के मंदिरों को अगर तोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है शासन और प्रशासन को जो है इसके ऊपर में संज्ञान लेने की जरूरत है। हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ में मुकेश पांचाल जी हैं, हम लोग उनसे एक बारी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जब आप यहाँ पर पहुँचे तो और उसके बाद में क्या हुआ। मुकेश जी आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। सर जिस तरीके से आज मंदिर का जो तोड़ा जा रहा है और बगैर नोटिस दिए जो तोड़ा गया, शासन और प्रशासन तो यहाँ पर है लेकिन शासन और प्रशासन ही यहाँ पर बैठ करके और कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक जो है वो स्टंट दिया जा रहा है, क्या सोचते हैं आप? जिस स्थान पर आप खड़े हैं मैं पहले आपकी जानकारी में दे दूं कि जो ये मंदिर है ये 1970 से पहले का बना हुआ मंदिर है और जो आसपास का जो रेजिडेंस एरिया है उसकी स्थापना बाद में हुई और मंदिर की स्थापना पहले हुई थी। उसके बावजूद कुछ षड्यंत्रकारियों ने, कुछ ऐसे सनातन विरोधी लोगों ने अतिक्रमण करने का, इसको तोड़ने का प्रयास किया है प्रशासन की मदद के द्वारा। इसके अंदर यहाँ के वेलफेयर एसोसिएशन RWA के लोग और कुछ शरारती तत्व जो हिंदू विरोधी नीतियों को अंजाम देते आए हैं, ऐसे लोगों का इसमें षड्यंत्र है। उनके खिलाफ आज हिंदू मंच, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू महापरिषद, बजरंग दल और सनातन धर्म को मानने वाला, राम को मानने वाला प्रत्येक हिंदू यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और यहाँ से हम प्रण करते हैं कि हम जो ये इन्होंने तोड़फोड़ किया है इसको हम पुनः निर्माण करेंगे, इसको दोबारा से हम सही व्यवस्थित ढंग से उपस्थित करेंगे इसे, और जो इस तरह की कार्रवाई जिन्होंने की है उनके खिलाफ हमें चाहे कहीं तक भी जाना पड़े हम जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रहेगी आप लोगों की प्रतिक्रिया, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हिंदू के जो टूटते हुए जो मंदिर है, हिंदू के ऊपर में जो लगातार आघात हो रहे हैं, इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जागरूक हो सके। जय हिंद।